हेलो एवरीवन, आज हम थोड़े अलग तरीके से स्पाइसी मसाला भरवा बैंगन बनाएंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब लगता है कि आपको गांव के या ढाबे के वो स्पाइसी वाली सब्जी की याद आ जाएगी। इसे हमने आज मिट्टी के बर्तन में पकाया है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाला पैन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्पाइसी मसाला बैंगन की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो इधर स्टफिंग बनाने के लिए मैंने बहुत सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। तो इस धनिया में हम डालेंगे क्रश्ड पीनट्स यानी कि मूंगफली का थोड़ा सा दरदरा पाउडर, थोड़े से पोहे, और इधर मैं डाल रही हूँ लहसुन और लाल मिर्च पाउडर की पेस्ट। तो अब इसमें डाले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और फिर इसमें डाले धनिया और जीरा पाउडर। अब आखिर में इसमें एक टीस्पून जितना तेल डाले और इन सारे मसाले को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर ले। तो अब ये हमारी स्टफिंग प्रिपेयर हो चुकी है। तो अब बैंगन ले और इसका ऊपर का हिस्सा इस तरह से हटा दे। और फिर इसमें इस तरह से दो कट्स बना ले ताकि हम इसमें स्टफिंग भर सके। तो अब एक एक बैंगन को लेकर इस तरह से थोड़ी सी जगह बनाकर इसमें अच्छे से स्टफिंग भरे। स्टफिंग को अच्छे से बैंगन में भरे ताकि बैंगन में मसालों का टेस्ट बहुत बढ़िया से आए। तो अब इसी तरह से मैंने सारे बैंगन को स्टफ करके रेडी कर लिया है। तो अब एक पैन में या फिर जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हो उसमें 2 चम्मच जितना तेल डालें। जब तेल गर्म हो तब इसमें डालें 1 टीस्पून जितना राई जीरा, थोड़ी सी हींग डालें और फिर इसमें डालें 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, और फिर थोड़ी देर के बाद इसमें डालें चॉप किया हुआ लहसुन, और इन दोनों चीजों को थोड़ी देर के लिए सोते होने दें। तो अब हमारा ये जो प्याज है वो थोड़ा सा सुनहरा रंग का हो गया है। तो अब हमने जो बैंगन स्टफ करके रखे थे उसे इसमें डाल दे। तो इन बैंगन को अब हमें अच्छे से पकने देना है। तो अब इसके ऊपर एक ढक्कन ढक कर इसे अच्छे से पकने दे। बीच बीच में इसे ढक्कन हटा कर मिलाते रहे और चेक करते रहे ताकि बैंगन बराबर से कुक हो। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाले और फिर इसे फिर से ढककर पकने दे। तो अब ये हमारे बैंगन बराबर से पक चुके हैं। तो अब हमारी जो एक्स्ट्रा बची हुई फिलिंग थी उसे हम इसमें डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। और इसमें डालें चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखें ताकि हमारे भरवा बैंगन में अच्छा सा टेक्सचर आए और अच्छी सी ग्रेवी भी बने। टमाटर डालने के बाद फिर से इसे थोड़ी देर ढककर पकने दें। तो अब इसमें डालें थोड़ी सी चीनी और इसे अच्छे से मिला लें। तो अब इसमें जरूरत के मुताबिक पानी डालें, इसे अच्छे से मिलाएं और फिर से थोड़ी देर के लिए पकने दें। तो अब ये हमारा स्पाइसी मसाला बैंगन बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो इस डिफरेंट स्पाइसी मसाला बैंगन को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और रेसिपीज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।